अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED BTC फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अक्टूबर 2024 की। आज की ब्रेकिंग न्यूज को देखने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग वेबसाइट पर ही आते हैं। यहाँ पर 17, 19 और 22 बैच का रिजल्ट, जी हाँ, तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 बैच का रिजल्ट बेसब्री से इंतजार हो रहा है, DLED 2023। इसको हम सेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो भैया इनकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है, प्राइवेट नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये सारी बातें। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने एक वेबसाइट आपको बता रखी है DLEDResult.com, इसको भी हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 23 अक्टूबर 2024, ठीक है, आज की डेट अपडेटेड है। DLED BTC ऑल सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है, 108 बच्चे ऑनलाइन भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आएंगे, हर एक बैच का रिजल्ट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, चाहे 2023 का बैच हो, चाहे 2022 का बैच हो, चाहे कोई भी बैच हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो पर आते हैं और डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट की स्थिति क्या है। क्या दोस्तों जो हमारा रिजल्ट है, परिणाम है, वो आज घोषित हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा अभी, क्यों इतना लेट हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जो DLED का रिजल्ट आता है मैक्सिमम टाइम वो दीपावली के आसपास देखने को मिल जाता है, ठीक है, कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, चाहे आपका एग्जाम हो चाहे आपका रिजल्ट है, मतलब एक ना एक फेस्टिवल वहां पर लगा रहता है। मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, इसका पूरा प्रोसेस DLEDResult.com पर है, ठीक है। आप गूगल पर जाइए, नॉर्मली गूगल खोलिए अपने मोबाइल में, ठीक है, सर्च क्या करना है, DLEDResult.com वेबसाइट, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए कुछ और बातें, आपका रिजल्ट कैसा होगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, भर्ती के लिए अड़े बेरोजगार छात्र। दोस्तों ये भर्ती इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 6 से 8 वाले बच्चे भी सम्मिलित हो रहे हैं, जो 6 से 8 का मतलब है यहाँ पर DLED छात्रों को भी मौका दिया गया, ठीक है। काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है इस वैकेंसी की। और देखिए यहाँ पर ईयर नहीं लिखा है कि कौन सी ईयर की वैकेंसी है, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका विज्ञापन आया था दिसंबर 2018 में, आज 2024 में हम लोग, आज भी दोस्तों इसमें आरक्षण का विवाद फंसा हुआ है। तो कुछ बातें हम आपको इसलिए बता देते हैं ताकि आपके अंदर सब्र आए, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, आप लोग परेशान होते हैं। 2017, 19 और 22 बैच के स्टूडेंट पोर्टल आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, हर एक जानकारी, हर एक रिजल्ट आप सबसे पहले यहां से डाउनलोड करेंगे। याद रखिएगा, गलती से अगर आपकी बैक लगती है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, सब्र करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए एक और दुख की घड़ी में देखिए एक बात आपको बताते हैं, मौत के 47 दिन बाद दो दो नौकरी लगने का आया मैसेज। यही दोस्तों होती है खराब किस्मत, जब तक भैया जीवित थे तब तक कभी इनको ऐसा मैसेज नहीं मिला, लेकिन क्या ही बताया जाए। यहाँ पर देखिए, नारनौल के मुकेश की 47 दिन पहले हृदय गति रुकने से हो गई थी मौत, अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में चयन का आ गया मैसेज। यही होता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सब्र करना सीखिए, कभी गलती से बैक लग जाए, फेल हो जाए, तो उससे परेशान नहीं होना हमें। जैसे यहाँ पर एक बच्चे के रिजल्ट में आप फेल लिखकर, ठीक है, लिखा हुआ है, और एक बच्चे के रिजल्ट में आप पास लिखा है, तो ये रिजल्ट हम आपके सामने हमेशा इसलिए रखते हैं क्योंकि काफी बच्चों के साथ ऐसा ही होगा, कोई बच्चा पास होगा, कोई बच्चा फेल होगा। और आपको बता दें, जब रिजल्ट आता है तो क्लियर किया जाता है कि 2023 बच्चे बैच में कितने बच्चे सम्मिलित हुए, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, 2022 बैच कैसा आता है, 2021 बैच का ब्यौरा आएगा, ठीक है। और आपको बता दें, इसी समय बैक पेपर का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी बच्चे की बैक लगी थी, उन बच्चों ने भी तो एग्जाम दिया होगा ना, ठीक है, या थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी होगी, वो बच्चे भी एग्जाम दिए होंगे, तो सबका रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जाएगा। एकदम तैयारी बना के रखिए, एक्सटर्नल इंटरनल टोटल नंबर को आप ऐड करेंगे, सभी बच्चों का एग्जाम 800 नंबर का हुआ है, या तो आप बटे 800 गुणे 100 कर दीजिए ऊपर जोड़ने पर, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कटता है, तो इसलिए आपको बता दें टोटल जोड़ने पर जो भी नंबर आए उसको सिंपल 8 से भाग कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। छोटा सा प्रोसेस अपना लीजिएगा, बाकी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि आज या बहुत ही जल्द किसी भी समय आपका रिजल्ट एकदम लाइव हो जाए, तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा तो वेबसाइट थोड़ी समय के लिए डाउन हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपका टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है।
बाकी दोस्तों मोबाइल में रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है इसका एक हम छोटा सा प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सीटेट का फॉर्म भर दिया गया है, ठीक है। अब सीटेट का एग्जाम 14 दिसंबर को होगा। फिलहाल शिक्षक भर्ती आने के आसार थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अभी महाकुंभ इलाहाबाद में प्रयागराज में थोड़ा बिजीपन रहेगा, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया, फेल या पास? एक बात याद रखिएगा, फेल आप दो वजह से हो सकते हैं, या तो आप एक्सटर्नल नंबर में फेल हो जाएं या इंटरनल नंबर में, ठीक है। आप दो तरीके से फेल हो सकते हैं। एक्सटर्नल नंबर कौन सा होता है दोस्तों? जो आप जाते हैं 50 नंबर का 25 नंबर का एग्जाम देते हैं, 50 में से पास होने के लिए 25 नंबर और 25 में से पास होने के लिए 12 नंबर। लेकिन दोस्तों जब ये प्रैक्टिकल की बात आती है तो 50 में से पास होने के लिए 30 नंबर और 25 में से पास होने के लिए 15 नंबर, ये जरूरी होता है। जब बात आती है 100 नंबर की, तो 100 में से एक जगह आप 50 पाते हैं, एक जगह आप 60 पाते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। 100 में से 50 नंबर और 100 में से 60 नंबर, ठीक है। तो इंटरनल 60 होता है, एक्सटर्नल मतलब जहां पर आप लोग टीचिंग करने जाते हैं वो 100 में से 50 भी पाएंगे तो उसको पास माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं कि मोबाइल में आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड कैसे करना है और कैसे सर्च करेंगे गूगल की वेबसाइट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में google.com वेबसाइट ओपन कर लेनी है और सर्च क्या करना है जरा देखिए, DELED RESULT, ठीक है, .com, DELEDRESULT.com वेबसाइट आपको सर्च करनी है। और आप यहाँ पर देखिए DELED RESULT 2024, ये वेबसाइट और .com यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हमें सिंपल सा ओपन करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर डेट जरूर देखिएगा, हर एक दिन वेबसाइट अपडेट होती है। अगर आप 23 अक्टूबर को सर्च कर रहे हैं या 24 अक्टूबर को, तो यहाँ पर 24 तारीख फिर दिखनी चाहिए। DELED BTC ऑल सेमेस्टर रिजल्ट डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, नया पेज ओपन होगा और जिसमें हर एक बैच के रिजल्ट की जानकारी होगी, चाहे 2023 हो, 2022 हो, 2021 हो, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 15 हो, ठीक है। हमें 2023 बैच का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, UP DELED 2023 फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट एग्जामिनेशन अगस्त 2024, तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट सून का ऑप्शन आ रहा है, बैक करते हैं, ठीक है। तो अब रिजल्ट डाउनलोड करना मतलब आप समझ गए हैं, लेकिन चलिए 2022 बैच का एक डेमो दिखा देते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया होता और दोस्तों आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए होता, क्लिक करते हैं आप सिंपल सा, ठीक है, 2022 बैच का, क्योंकि इन बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। तो अब देखिए ये वाली वेबसाइट थोड़ी सी डाउन चल रही है, ठीक है। बाकी DELEDRESULT.com में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं कितना तेज प्रोसेस हो रहा है। तो फिलहाल अभी गोल गोल घूम रही वेबसाइट, चलिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर डेट ऑफ बर्थ, इसमें बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, तो हमने बता रखा ये कैलेंडर वाले में क्लिक करिए और देखिए ईयर में आएंगे, जैसे 2024 दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर आएंगे थोड़ा फटाक से, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, मान लीजिए 1999 पर हम लोग क्लिक कर दिए। अब महीना कोई भी हो सकता है, जून हो सकता है, डेट हो सकती है 11 तारीख, बस हो गया, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको, थोड़ा सा प्रयास करेंगे सब कुछ हो जाएगा। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है, दलालों से सावधान रहिएगा, कहीं पर भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद करेंगे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। फिलहाल वेबसाइट में आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई DELED में एडमिशन लेने वाला है तो DELED स्टेट रैंक काउंसलिंग का शेड्यूल, UP आंगनवाड़ी वैकेंसी में अप्लाई कर रहे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सीटेट दिसंबर करेक्शन वाला जो भी मैटर है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।